नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी 99 और आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी के लिए खासतौर पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा मार्च के आखिरी सप्ताह में आयोजित किए जाने वाला आईबीपीएस का एग्जाम जो कि सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग सहायक के पदों के लिए हो रहा है, तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा आज ये 10वां वीडियो है और गणित पर ये 7वां वीडियो है। और आज की इस क्लास में हम आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स फॉर आरआरबी एग्जाम 2018 के गणित के 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो लेट अस सी दिस 41st क्वेश्चन। बेसिकली 41 और 45 पांच क्वेश्चंस के लिए, यानी इन बिटवीन 41 एंड 45 देयर फाइव क्वेश्चंस। इनके लिए डायरेक्शन ये है कि इस सीरीज में जो इन क्वेश्चंस में दी गई है उसमें रॉन्ग नंबर निकालना है। तो 41वां सवाल देखते हैं। सीरीज दी हुई है 1, 3, 7, 15, 31, 64, 127। देखने से सरल सवाल लगता है, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, सो ऑब्वियसली 3 - 1 = 2, 7 - 3 = 4, 15 - 7 = 8, 31 - 15 = 16, 64 - 31 = 33, एंड 127 - 64 इस साथ में से आ गया 3, 6। ओके, सो दिस इज 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 और 32 × 2 = 64। इसका मतलब यहां गलती है प्राइमरीली। यहां गलती का अर्थ यह है कि यहां गलती है, इस जगह, यहां 31 तक तो कोई गलती नहीं है, तो 64 में गलती है। सो प्राइमरीली जो इसका ऑप्शन है वो जो सही लग रहा है मुझे वो डी लग रहा है, लेकिन अब इसमें ये देखना है कि होता क्या जो ये सही हो जाता। तो 16 × 2 = 32, अगर ये 32 होता यहां तो 31 और 32 = 63। तो अगर यहां 63 हो जाता, सो 127 - 63 = obviously 64, तब ये सही हो जाता। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 42nd। 1, 15, 119, 475, 5, 949, 947, 473। तो मुझे जो यहां दिख रहा है 15, 8, 120 - 1, प्राइमरी इंस्पेक्शन है क्वेश्चन का, ये ऑब्जर्वेशन है। 120 × 4 = 480 - 5 = 475। मैंने यहां 8 से गुणा किया था, यहां 4 से गुणा किया था, मैं 2 से गुणा करके देखता हूं, तो 475 × 2 = 950, 950 - 1 = 949। तो ये जो जिस तरह से इसको ऑब्जर्व किया गया क्वेश्चन को थोड़ा सा सही लग रहा है। अब इसको करते हैं क्वेश्चन को आगे। सो 15 = this 15, 1 यानी ये वाला 1 × 16 - 1, देन वी हैव 119। सो 119 = this 15 और इसका 16 का आधा 8, 15, 8, 120 - 1। ओके, देन वी हैव 475, सो इट इज 119 × 4, सो 1976, तो 476 - 1 = 475, करेक्ट। तो यानी हमारा जो ऑब्जर्वेशन का तरीका था वो बिल्कुल ठीक था। एंड देन वी हैव 949, सो 949 = 475, अब 4 का आधा 2 माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। एंड देन वी हैव 947, सो इट इज 949 × 1, 2 का आधा 1 माइनस 1, तो यहां आना चाहिए 948। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। सिंपल, तो माना मैं 948 करेक्ट आंसर मानता हूं, तो 948 के बाद है 473, सो 473 होना चाहिए 948 × 1 - 1, सो इट इज 2 × 8 = 2, 37 = 14, 2 × 8 - 1 ऑब्वियसली 473। अर्थात हमारा ये जो कैलकुलेशन आया 948 में ये सही था, अर्थात ये जो ऑप्शन है ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन। अब मैं फिर से यहां डिफरेंस निकालता हूं, सो इट इज 10 का डिफरेंस ये वाला, देन 31 का डिफरेंस, देन 14 और 9 = 23, देन 26, देन 30 एंड देन 35। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5, 4, 3, तो यहां पर डिफरेंस 2 आना चाहिए,
तो ये 21 होना चाहिए। तो अगर यहां 21 होता है तो ये हो जाएगा 270, तो फिर ये हो जाएगा इमीडिएटली 20। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक, तो 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल ठीक है। सो 260 नहीं, 270 होना चाहिए। तो ऑप्शन ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, 44th क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज, फिर से डिफरेंस देखता हूं, तो 750 माइनस 535, सो इट इज इक्वल टू 215। देन वी हैव 535 माइनस 411, इट इज 124। देन वी हैव 411 माइनस 348, सो इट इज ऑफ कोर्स 63। देन वी हैव 348 माइनस 322, सो इट इज 26। एंड 322 माइनस 314, सो इट इज 8। ओके, सो दिस इज ऑफ कोर्स 6 रेज टू पावर 3 माइनस 6×36 गुणा 6 216, 216 माइनस 1, दिस इज ऑफ कोर्स 5 की घात 3 माइनस 1, 5×5 25, 5×5 25, 5×5 125 माइनस 1 124। एंड दिस इज 4×16 64 माइनस 1, दिस इज 3×3 9×3 27 माइनस 1, दिस इज 4×3 2 2×2 4×2 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो यहां आना चाहिए था 7, अर्थात 314 गलत है, यहां होना चाहिए था 315। ये तो ऑप्शन ई इज द आंसर। अब अगर यहां पर 315 होता, और ये भी 315, अगर ये 315 होता, सो इट इज ऑफ कोर्स 0। सो दिस इज 1³ - 1 इक्वल टू 0। ठीक, सो ऑप्शन ऑप्शन ई इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 45th। यहां पर भी मैं डिफरेंस निकालूंगा। सो 7 - 2 इक्वल टू 5, 27 - 7 इक्वल टू 20, 107 - 27 इक्वल टू 80, 427 - 107 इक्वल टू 320, एंड 1708 - 427 इज इक्वल टू 1281। आगे भी चेक नहीं करते, लेकिन मुझे देखने में इसमें ये गलत लग रहा है, देखने में, क्योंकि ये देखिए, ये 7 7 7 7 7 प्राइमरी नहीं लग रहा है, बट लेट अस चेक इट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 5×20, 20×80, 80 × 4, ऑब्वियसली 320 × 4 आना चाहिए था। सो 320 × 4 इट इज इक्वल टू 4×3 = 12, तो 1280, तो 1281 की जगह 1280 होना चाहिए था। तो अगर ये 1280 होता तो यहां 1707 होता। सो दिस इज 1707, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। और 17, एक चीज और देख लेते हैं, 6827 - 1707, इसको मैंने 1707 कर दिया है। सो 20 और 8 में 7 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, तो क्या ये 1280 × 4 है? तो 1280 × 4 इज इक्वल टू 4×8 = 32, 12×48 = 51, बिल्कुल ठीक है। सो 1707, यानी यहां 1707 आना चाहिए था। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां एक लाइन ग्राफ दिया गया है और इस पर बेस्ड हैं 5 क्वेश्चन। लाइन ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाए हैं 2 डिफरेंट स्टोर्स पर, स्टोर्स हैं पी और क्यू, और स्टोर पी को ट्राइंगल से दिखाया गया है और स्टोर क्यू को दिखाया गया है स्क्वेयर से। तो ये एक आसान सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर पी इन 2003 और 2004, 2003 और 2004 में स्टोर पी में, स्टोर पी को इससे दिखाया गया है। सो दिस एंड दिस, तो ये हुआ, चूंकि यहाँ 10, यहाँ 5-5 का गैप है इन दो लाइन के बीच में, तो ये 55 हुआ। सो दिस इज 55 एंड दिस इज ऑफ कोर्स 30, तो इन दोनों का टोटल हुआ 85 टुगेदर। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन 2000, तो ईयर 2000 में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे वो थे 55 एंड ऑफ कोर्स 25। सो 55 और 25 80, सो 85 - 80 इज इक्वल टू 5, सो ऑप्शन ई इज द आंसर। ओके,
यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं जो मैंने नहीं किया है कि आप इन सब की वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने 55 कर दिया, ये मैंने 25 कर दिया, आप इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज 40, दिस इज 30, मतलब इमीडिएटली आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपने इनकी वैल्यू प्लेस कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ टोटल प्रोडक्ट्स इन बोथ द स्टोर्स इन 2006 निकालना है, इज इंक्रीज्ड बाय 20% एज कंपेयर टू ईयर 2004, तो ये हम फिगर पिछले पेज पर निकाल चुके हैं। तो ये है हमारे पास 55 और 30, तो दिस इज 55 एंड दिस इज 30, और इन दोनों का टोटल हुआ ऑफ कोर्स 85। तो 85 का हमको निकालना है 20% वृद्धि करके, अर्थात 85 का निकालना है हमको 120%, सिंपल ये निकालना है हमको। सो दिस इज 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 5 × 2 = 10 और 2 × 6 = 12 और 5 × 17 = 85, तो 17 × 6 = 102, सो 102 ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। वर्ष 2002 और 2003 में स्टोर क्यू में कुल उत्पाद, तो स्टोर क्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, तो हमको ये निकालना है और ये निकालना है। सो ऑफ कोर्स दिस इज 80 एंड दिस इज 60, तो इन दोनों का टोटल हुआ 140। टुगेदर टू टोटल प्रोडक्ट्स इन स्टोर क्यू इन ईयर 2000, स्टोर क्यू इन 2000, सो स्टोर क्यू इज स्क्वायर, सो दिस इज 55। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, सो हमें निकालना है 140 और 55 का रेशियो, सो ऑफ कोर्स 5 से जाएगा, सो दिस इज 28/11, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑल द इयर्स टुगेदर इन स्टोर पी, तो स्टोर पी रिप्रेजेंट हो रहा है ट्राइंगल से, सो हमको ये 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 और फाइनली इनकी वैल्यू निकाल के टोटल करके 5 से डिवाइड करना है। सो दिस इज 25, दिस इज 40, दिस इज 65, दिस इज 55 एंड दिस इज 30, तो टोटल कर लेते हैं इनका, तो 25 और 40 = 65, 65 + 65 = 130, 130 और 55 = 185, 185 + 30 = 215, सो 215/5 निकालना है हमको, अर्थात 430/10 निकालना है, अर्थात 43, सो 43 ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर पी इन ईयर 2003, सो दिस इज 55 एंड इन स्टोर क्यू इन ईयर 2004, क्यू मीन्स स्क्वेयर, सो दिस इज अगेन 55, सो टोटल इज 110, सो 110 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर क्यू इन ईयर 2000, सो दिस इज अगेन 55, करेक्ट, तो ऑब्वियसली डबल मींस 100% का इंक्रीमेंट है, मतलब ज्यादा है, करेक्ट। इसको इस तरह से देख लें कि ये 110 माइनस ये वाला 55, और किससे कंपैरिजन हो रहा है, इसी से, ओके, इनटू, सो दिस इज ऑफ कोर्स 100% मींस 100% का इंक्रीमेंट है, 55 की जगह 110 हो रहा है, सिंपल, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और उन दोनों में जो वेरिएबल है, एक पहले में एक्स है, दूसरे में वाई है, और उन वेरिएबल्स में रिलेशंस को कंपैरिजन करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सरल हैं। अब मैं इसके शॉर्टकट्स आपको पिछली अनेक वीडियो में समझा चुका हूं, इसके दोनों रूट्स जो हैं वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे, ये हम लोग अनेक बार पढ़ चुके हैं, रिपीट कर देता हूं कि चूंकि इसमें नेगेटिव एक्स का जो कॉफिशियंट है नेगेटिव है, अदरवाइज एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी पॉजिटिव है, तो इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। 12 और 8 = 20, 12 + 8 = 96, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू हुई वो ही 8 और 12, करेक्ट, और ये तो बहुत सिंपल है, इट इज वाई इक्वल टू प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 64। नंबर 9 पर ले लेते हैं, एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 12, वाई बराबर 8 एंड वाई इक्वल टू माइनस 8, करेक्ट, सो एक्स या तो वाई के बराबर है या वाई से बड़ा है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, यहां पर भी दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, सिंपल, सो
दिस इज 20 चौक 80 एंड 16 पंजे 80 और 16 5 21, सो इट इज 4x² माइनस 16x माइनस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर 4x इज कॉमन, सो x माइनस 4 एंड फ्रॉम हेयर माइनस 5 इज कॉमन, सो x माइनस 4. सो इट इज 4x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 5/4 एंड 4. नाउ इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं सबसे पहले इंस्पेक्शन से करता हूं या ऑब्जर्वेशन से, और फिर मैं इसको इस रूटीन तरीके से करता हूं. तो इंस्पेक्शन से, तो एक तो चीज ये है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. ओके, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं y इक्वल टू 3 रखता हूं, सो 3 3 9 27, 27 और 30 57, और यहां 3 -57 ये वाला है ना, सो -57 0 मीन्स y इक्वल टू 3 से रूट मीन्स y माइनस 3 बराबर 0. हम इसमें प्लेस कर सकते हैं y माइनस 3 से फैक्टर, तो मैं दूसरा फैक्टर निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं है या दूसरा रूट निकालने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली मुझे मिल रहा है. देखिए, जो इंस्पेक्शन से क्वेश्चन को करना बहुत सरल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है यहां पर वो है 30/3 मीन्स 10, जिसमें से एक रूट 3 है तो अदर रूट हुआ ऑब्वियसली 10/3. क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट. अच्छा, वैसे भी कर देता हूं मैं इसको, मतलब सिस्टमेटिकली 30 3 90, इन दोनों की गुणा 30 3 90 और 10 9 90, तो 10 और 9 19 और 10 9 90. ओके, सो इट इज 3y² माइनस 9y माइनस 10y प्लस 30 इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर 3y इज कॉमन, सो y माइनस 3 और यहां से 10 कॉमन, y माइनस 3. करेक्ट? सो 3y माइनस 10 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0. सो y बराबर 3 और 10/3 जो यहां निकाला, एक ये निकाला और एक ये निकाला. नंबर लाइन पर ले लेते हैं, x बराबर 4 और x बराबर 5/4 यानी 1.25. y बराबर 10 एंड y इक्वल टू 10/3 मीन्स 3.3 समथिंग है ना, तो नो रिलेशन. x y से बड़ा भी है और x y से छोटा भी है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 52. नेक्स्ट, ये बहुत सरल सवाल है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड 8 3 24 8 3 11, सो x इक्वल टू 3 एंड 8. सिमिलरली बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड 9 3 27 और 9 3 12. करेक्ट? तो नंबर लाइन पर ले लेते हैं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 9. तो x y से छोटा भी है और x y से बड़ा भी है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट, बोथ रूट शैल बी नेगेटिव. क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों कॉफिशियंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी पॉजिटिव है. अब यहां पर 7 और 5 12 7 5 35, तो x इक्वल टू -5 -7. यहां पर बहुत सरल है, यहां भी दोनों रूट नेगेटिव होंगे, 40 5 200 और यहां पर 25 और 8 33 और 25 × 8 200. ओके, तो ये हो गया 5y² प्लस 25y प्लस 8y प्लस 40 इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर 5y कॉमन, y प्लस 5, 8 कॉमन, y प्लस 5, सो इट इज 5y प्लस 8. सिंपल, सो y इक्वल टू -8/5 एंड -5. नंबर लाइन पर लेते हैं, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -7, y इक्वल टू -5 एंड -5/8 मींस -16/10 मींस -1/6, 1.6 हेयर 1.6, सो इट इज -1.6. सो y या तो x से बराबर है, ये बराबर है या छोटा है,
तो x या तो y के बराबर है या y से छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना x, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, तो ये बहुत सरल है, इसको मैं ऑब्जर्वेशन से कर देता हूं, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, तो क्लियर ही है। दूसरा दूसरा अगर मैं x इक्वल टू माइनस वन रखता हूं, सो माइनस वन का स्क्वायर वन, सो इट इज फोर, प्लस नाइन एक्स मीन्स माइनस नाइन, प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, मीन्स दिस इज ए रूट, मीन्स x प्लस वन इज ए फैक्टर, हैंस ये इसको सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। तो इसका दूसरा रूट हुआ, चूंकि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट रूट्स का, इट इज फाइव अपॉन फोर, जिसमें से एक रूट माइनस वन है, तो अदर रूट इज माइनस फाइव बाई फोर, सिंपल। तो दोनों रूट मिल गए हमको। मैं इसको सिस्टमेटिकली भी कर देता हूं, चार पंजे बीस और पांच और चार नौ, मीन्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, फ्रॉम हेयर फोर एक्स इज कॉमन, सो एक्स प्लस वन, एंड यहां से फाइव कॉमन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो फोर एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस फाइव बाई फोर, ये जो मैंने निकाला, एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस फाइव बाई फोर। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, सो इट इज तीन और दो पांच और तीन दूनी छः, और यहां पर अगर मैं इसको देखूं, सिंपल माइनस वन अगर मैं इसमें लगाता हूं, तो माइनस वन लगाते ही एक्स वाई की वैल्यू इसी तरह से कर देता हूं, तो वाई की वैल्यू अगर मैं माइनस वन प्लेस करता हूं, सो इट इज तीन माइनस पांच प्लस दो जीरो हो गया, सो वाई प्लस वन इज ए फैक्टर एंड वाई प्लस वन दिस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। सो दूसरा जो इसका रूट हुआ, चूंकि प्रोडक्ट जो है रूट का दो बटे तीन है, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री, जिसमें से एक रूट माइनस वन है, तो अदर रूट इज माइनस दो बटे तीन, करेक्ट। नंबर लाइन पर लेते हैं, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी देख लीजिए, तीन दूनी छ और तीन और दो पांच और तीन दूनी छ, तो ऑब्वियसली इसको आप सरलता से कर सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर, वाई इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, सो एक्स या तो छोटा है वाई से या वाई के बराबर है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, सिंपल आसान क्वेश्चन थे ये वाले, लेकिन मेरे ख्याल से अभी, अब हम लोग सात आठ क्लासेस से लगातार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं, तो आपको इसमें निश्चित रूप से क्लैरिटी आई होगी और समझ में भी आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट से कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये एक बार चार्ट दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ टाइगर्स दिए गए हैं डिफरेंट नेशनल पार्क में, ए बी सी डी ई, इन टू डिफरेंट ईयर्स, और ईयर है 1998 और 2018। ऑब्वियसली 2018 और 1998 में नंबर ऑफ टाइगर्स की स्थिति वेरी करती है। अब इस चार्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बी और सी में मिलाकर बाघों की संख्या, तो ये 2018 है, ये तो इसमें बाघों की संख्या, अब ये देखिए एक लाइन का गैप कितना है, चूंकि 40 और 20 का अंतर है इनके बीच में और लाइन है पांच, तो इसका मतलब चार का अंतर है दो लाइन के बीच में। ओके, तो यहां पर हुआ 44, 48, 52, सो इट इज 52, करेक्ट, एंड इट इज ऑफ कोर्स 40, एंड सी, सो इट इज 40, 44, 48, एंड दिस इज 20, 24, 28, 4, 32, दिस इज 60 और 4, 64, एंड दिस इज 36, दिस इज 80, एंड दिस इज 48। ओके, तो 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बी और सी में, तो 52 प्लस 32,
मिलाकर बाघों की संख्या 1998 में राष्ट्रीय उद्यान ए और डी, 1998 में राष्ट्रीय उद्यान ए और डी में, सो 1998 इज दिस, सो इट इज 64 प्लस 80, सो इट इज, तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ, सो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क डी इन बोथ ईयर्स, तो 80 और 48, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क सी इन बोथ ईयर्स, 48 प्लस 32, ये निकालना है आपको. सो इट इज 8 और 4 12 128 एंड 8 और 2 10, 5 और 3 8, करेक्ट. सो दिस 0 कैंसिल आउट दिस एंड 8 कम 8 4 8 6 48, सो इट इज 160%. ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट, 2018 में राष्ट्रीय उद्यान ए में बाघों की संख्या का, 2018 में ए में, सो इट इज 36. 1998 में राष्ट्रीय उद्यान बी में बाघों की संख्या से अनुपात, सो 1998 इज दिस 40, सो इट इज 4 9 36 4 2 40, सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क ई, ई इसमें नहीं है, हमको काउंट करना है, 2018 में 40% ज्यादा है नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क डी इन 98, तो 98 में नेशनल पार्क डी में टाइगर्स थे 80, तो 80 का 40% ज्यादा है, अर्थात 80 × 140/100 ई में, और सो दिस इज, ये कैंसिल हुआ, 14 8 112, जबकि 1998 में राष्ट्रीय उद्यान ई में बाघों की संख्या, 2018 में राष्ट्रीय उद्यान सी में, सो इट इज 32 से 25% कम है, अर्थात 32 × 75%, तो 8 6 32 8 3 24, सो इट इज 24, तो इन दोनों का टोटल हुआ 2 4 6 11 और 2 13 136, सो ऑप्शन ई इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट, 2018 में सभी राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की औसत संख्या, 2018 मीन्स दिस, सो इट इज 36 प्लस 52 प्लस 32 प्लस 48 अपॉन 4, करेक्ट, औसत निकालना है, सो दिस इज 4 9 36, 13 × 4 52 प्लस 8 एंड 12, सो 22 प्लस 20 इक्वल टू 42. अब निकालना है हमको 98 में, तो 98 में औसत संख्या बाघों की 64 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 80 अपॉन 4, सो इट इज 16 प्लस 10. ये कैलकुलेशन आसान करने के तरीके हैं, मैं इन सबको जोड़ नहीं रहा हूं, तो इससे आपका समय बचेगा, प्लस 12 प्लस 20, सो इट इज 16 और 10 26 और 12 और 20 32, तो 3 और 2 5 6 और 2 8, तो 58 और 42 का अंतर हुआ, 8 में से 2 गया 6 5 में से 4 गया 1, 16, सो ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट, नाव और धारा के यानी के बोट स्ट्रीम के जो सवाल है उनके शॉर्टकट्स मैंने आपको समझाए हैं, तो इस शॉर्टकट से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, इसमें सेकेंड्स लगेंगे. नाव की धारा के अनुकूल गति और धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अंतर 6 किलोमीटर पर आवर है, अर्थात अनुकूल गति बी प्लस सी, जहां पर बी बोट की गति है शांत जल में जिसको हमें निकालना है, और सी धारा, सी माने करंट, करंट धारा, धारा की गति है, तो ये हमको दिया गया है. धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अंतर 6 है, इसका मतलब 2c = 6 means c = 3 km/h, अर्थात जो नदी की धारा है उसकी गति है 3 km/h. नाव 4 घंटे में धारा के अनुकूल चलते हुए मतलब P से Q तक 72 किलोमीटर की यात्रा करती है 4 घंटे में, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज 72 एंड टाइम इज 4, और चूंकि ये अनुकूल है इसलिए ये B प्लस सी है, करेक्ट, सो B प्लस सी इज इक्वल टू 18 बट C इज इक्वल टू 3, सो B इज इक्वल टू 15.
तो ये बहुत ही सिंपल शॉर्टकट्स हैं बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चंस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक बर्तन में दो प्रकार के तरल पदार्थ ए और बी का अनुपात 5 और 9 है, तो ये ए बी एंड ऑब्वियसली मिक्सचर। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर पी के लिए इसमें जो मात्रा है वो 5p और 9p है, और ऑब्वियसली 14p लीटर जो है वो मिक्सचर है। अब इसमें से 28 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, मींस -28 तो यहां हुआ। तो ए की जो मात्रा निकलेगी वो होगी 5/9 = 14 × 28, अर्थात 14 × 28 2×10, तो ये -10 यहां हुआ और 28 - 18 यहां हुआ। ओके, तो जो परिणामी मिक्सचर हुआ वो हुआ 14p - 28 एंड इट इज 5p - 10, इट इज 9p - 18। ओके, और इसमें अब बी प्रकार का लिक्विड इसमें 2 लीटर मिलाया गया, तो 2 यहां मिला दिया। ओके, और अब जो रिजल्टेंट लिक्विड है वो है 14p - 26, इट इज 9p - 16 एंड ऑफ कोर्स इट इज 5p - 10 एज सच। Now he says कि इस नया अनुपात A और B का 1:2 है, means 5p - 10 ये upon 9p - 16 ये is equal to 1/2, means cross multiplication पर 10p - 20 equal to 9p - 16, so p is equal to 20 में 16 गया 4। इनिशियली हमारे पास 14p था, तो 14p इज इक्वल टू 14 × 4 मींस 56 लीटर। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 25.8 किलोग्राम, और एक नया छात्र जब और शामिल हो गया उसमें तो औसत वजन 3.9 किलोग्राम बढ़ गया। नए छात्र का अनुमानित वजन ज्ञात कीजिए, तो अनुमानित वजन नए छात्र का मैंने माना p किलोग्राम। नया औसत इट इज इक्वल टू 5 विद्यार्थियों का समग्र भार, तो 5 × 25.8 ये तो समग्र भार हो गया 5 विद्यार्थियों का, औसत से गुणा कर दिया, इसमें हमने पी किलोग्राम जोड़ लिया नए स्टूडेंट का वजन, और इसको 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि अब 6 बच्चे हो गए, और ये तो हुआ औसत भार, और ये पुराने से 3.9 बढ़ गया, तो पुराना 25.8 था, इससे 3.9 बढ़ गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट इज 5 × 25.8, आप देखिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, प्लस p इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 × 25.8 प्लस 6 × 3.9, मैंने अभी भी गुणा नहीं की है, सो p इज इक्वल टू, नाउ दिस इज 6 × 25.8, इट इज 5 × 25.8, जब ये इधर ट्रांसपोज होगा ये राइट साइड में, तो ऑब्वियसली इसको अगर मैं कहूँ ये 6x है, जहां पर x की वैल्यू 25.8 है, तो ये 5x है, तो ऑब्वियसली मेरे पास x बचेगा ट्रांसपोज होने पर, सो इट इज 25.8 प्लस 6 × 3.9, करेक्ट। अब यहां पर अभी मैंने गुणा नहीं किया, गुणा करने का मतलब किसी गलती को आमंत्रित करना, तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि इसमें 6 कॉमन, आप गुणा कर भी सकते हैं, नो इशू, गुणा भी कर सकते हैं, मैं गुणा कर ही देता हूं, फिर मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। 25.8 प्लस 6 × 54, 5 × 6 = 18 और 5 = 23, सो इट इज 8 × 4 = 12, 4 × 5 = 9 और 2 × 2 = 4, तो 49 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सो 49, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब यहां से अगर मैं दोबारा लौटता हूं, मैं 6 कॉमन अगर निकालता हूं, तो 6 × 24, 6 × 3 = 18 प्लस 3.9, सो इट इज 6 × 9 = 12, 4 × 4 = 8, तो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 48 और 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 निकटवर्ती भूखंड खरीदे, एक आयताकार आकार में है उनमें से और दूसरा वर्गाकार, तो इसको इस तरह से बना लेते हैं, तो ये तो हुआ आयताकार और दूसरा वर्गाकार, और उन्हें एक भूखंड बनाने के लिए मिला दिया, तो मिला दिया आयताकार भूखंड की चौड़ाई वर्गाकार भूखंड की भुजा के बराबर है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको पी मानूं तो ये भी पी है, ये भी पी है और ये भी पी है, तो ये जो नया जो हमारे सामने भूखंड बना इसकी चौड़ाई पी है और लंबाई इसकी दी गई है 15, सो दिस इज 15। अब इसमें नए भूखंड की में बाड़ लगाने की लागत 390 रुपए आती है 5 रुपए प्रति मीटर की दर पे, तो ये सरल सवाल है, तो बाड़ लगती है हमेशा
किसी भूखंड की पेरीफेरी पर, बाउंड्री पर। तो बाउंड्री का मतलब हुआ परिमाप, अर्थात परिमाप का मतलब हुआ 15 प्लस पी, तो लंबाई हो गई इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें ये वाली लंबाई, ये चौड़ाई भी जुड़ेगी और इसका डबल, और रेट है 5 रुपये प्रति मीटर एंड इट इज 390 रुपये। तो 5, 5 × 10, 0 से 0 कटा। सो 15 प्लस 2p = 39, 2p = 24, p = 12। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। यदि वह अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 75% अधिक अंकित कर दे और उस पर 20% की छूट दे, तो पहले का लाभ बाद में अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत है? बहुत 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 सरल सवाल है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। पहले सिनेरियो में कॉस्ट प्राइस 100p लेता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस आपको ध्यान ही है ना, इससे मुझको एसपी और मार्क प्राइस निकालने में आसानी होती है विद द गिवन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और ऑफ मार्किंग। ओके, तो 50% अधिक अंकित करता है तो ऑब्वियसली इट इज 150p, करेक्ट। और इस पर 20% की छूट देता है तो 150 का 20% 15 × 15, 15 × 30, 30p हो गया। तो एसपी हो गया 150p माइनस 30p, सो इट इज 120p, करेक्ट। ये पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में कॉस्ट 100p ही है लेकिन 75% अधिक अंकित करता है ये मार्क प्राइस, सो इट इज 175p और इस पर 20% की छूट देता है। तो 175 का 20% हुआ 17.5, 17 × 34 और 35, तो 35p माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 140p। सो ऑब्वियसली यहां पर प्रॉफिट हुआ 20p, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहां पर हुआ 40p। अब 20p जो है वो कह रहा है पहले का लाभ बाद में अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत है, तो 40p का ऑब्वियसली 50% है। वेरी सिंपल, 20p / 40p इंटू ये निकाला है हमको, तो आधा है 20p जो है, 40p का आधा है, तो 50% इज द आंसर। अदरवाइज यहां से भी 20 × 40 और 2 से 150 बार कटा, सो 50% ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, सरल सवाल था बहुत। नेक्स्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन में कतई जरूरी नहीं पी लिखना, क्योंकि आपको यहाँ पी की वैल्यू आपको यहाँ निकलवाया नहीं है कॉस्ट प्राइस कितना है ना। तो आप चाहें तो इसको सीधे सीधे 100 ले सकते हैं और 100 के बाद इमीडिएटली ये सीधे 150 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पी ना भी लिखें तो चलेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने दो अलग अलग योजनाओं में दो समान राशि का निवेश किया। पहली योजना में टी वर्ष के लिए राशि 8% के साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया और प्राप्त ब्याज राशि 2000 रुपये थी। दूसरी योजना में 2 वर्ष के लिए राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया और प्राप्त ब्याज राशि 1050 रुपये थी। टी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है ये। यहां से सबसे पहले आप मूलधन निकाल लीजिए, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं इसमें यहां से। अब आप ध्यान रखिए कि जब कोई राशि से 100p 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो ध्यान रखिए हमेशा कि ब्याज होता है 21p रुपए, मींस 21%। सिंपल, ये ध्यान रखिए कि अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2 वर्ष के लिए 100p पर ब्याज होता पहले साल का 10%, 10 रुपए, दूसरे साल का मतलब 10p, दूसरे साल का फिर से 10p, 20p, यानी कि 20%। तो सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 100 रुपये पर जो ब्याज बनेगा 20 रुपये बनेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 21 रुपये बनेगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन मैं अच्छा ये आपको ये बता दूं कि 21 रुपये क्यों बनेगा। इसलिए बनेगा कि 100, मैं पी छोड़ देता हूं अभी, 100 पर 1 साल का ब्याज 10 रुपये हुआ। अब अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 10 रुपये फिर से ब्याज लगेगा, तो मूलधन हो गया 110 रुपये। तो इस पर अगले साल का यानी अगला जो दूसरा साल है उसके लिए जो ब्याज लगेगा 110 का 10% 11 रुपये लगेगा, तो 11 और 10 = 21 रुपये। सिंपल। ओके, अब हम अपने मूल सवाल पे आते हैं। तो अब यहां बहुत सिंपल सी चीज ये है कि अगर मैं राशि
इसको 100p मानता हूं, सो ऑब्वियसली 21p जो है वो ब्याज है, क्योंकि दो वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिया गया है 10% की। तो 21p इज इक्वल टू 1050, मीन्स पी इज इक्वल टू 1050 बटे 21, 21 × 105, सो 50। लेकिन मैंने मूलधन माना था 100p, सो मूलधन या राशि या अमाउंट इट इज इक्वल टू 100 × 50, मीन्स 5000। नाउ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मेरे को ये निकालना है सिर्फ टी वर्ष कितना है, जब हम सिंपल इंटरेस्ट में इसी राशि को टी वर्ष के लिए 8% की ब्याज दर पे निवेश करते हैं। सिंपल, ओके, सो लेट अस कंप्लीट इट। सो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर, ब्याज इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100, वेयर पी इज प्रिंसिपल, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स एंड आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ब्याज इज 2000 इक्वल टू प्रिंसिपल इज 5000, एन नंबर ऑफ ईयर्स टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100। सिंपल मीन्स टी इज इक्वल टू, इस 30 से ये 30 कैंसिल हुए, सो टी इज इक्वल टू 2 × 100 अपॉन 5 × 8, सो इट इज 200/40, मीन्स 5 years। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। सतीश अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है और शेष वेतन का 1/4 और 1/2 हिस्सा क्रमशः अपनी माँ और बहन को देता है और शेष वेतन को अपनी कार के भुगतान के लिए ईएमआई के रूप में इस्तेमाल करता है। यदि वार्षिक ईएमआई 60,000 रुपए है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत 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 सरल है, माना मासिक वेतन है, आंसर सारे थाउजेंड्स में है तो मैं इसको 1000p मान लेता हूं। सिंपल। अब ये वार्षिक ईएमआई है, तो जो मंथली ईएमआई हुई इसको जरूर ध्यान रखिए, इट इज 5000 × 12.5। ठीक है, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस। 20% बचा लिया, तो जो खर्चा हुआ 20% बचा लिया, 200p बचा लिया, तो इसके पास 800p अवेलेबल है, इतनी राशि। ठीक, और इसमें से 1/4 यानी 800p का 1/4 + 1/2 ये हिस्सा खर्च कर देता है, ये जो जब अपनी माँ और बहन को देता है, और ये शेष वेतन यानी कि 800p में से मैं इसको भी माइनस कर देता हूं, तो ये अब ये शेष वेतन बचा, और ये शेष वेतन जो है ईएमआई है, और ईएमआई कितनी है 5000। सो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो यहां से मैंने 800p कॉमन निकाल लिया, सो इट इज 1 माइनस, एंड इट इज 1/4 + 1/2, तो 1/2 को मैं 2/4 लिखूंगा, सो इट इज 2/4 + 1/4, मीन्स 3/4 इक्वल टू 5000, मीन्स 800p गुणा 1/4 इक्वल टू 5000, मीन्स 100p मैंने 8 अलग कर लिया और 4 × 2 = 8, सो 5000/2 = 2500। 100p ने अलग किया क्योंकि मेरे को 1000p चाहिए था। ओके, सो 10 से गुणा कर देते हैं, सो 1000p इज इक्वल टू 25000। सो ऑप्शन ई इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। एक राशि पी के 4 गुना यानी 4p और पी माइनस 9.75 का जो योग है वो 442 है, पी का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। सो दिस इज 5p इक्वल टू 442 प्लस 9.75 इक्वल टू 442 और 451.75, सो पी इज इक्वल टू 451.75/5। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर लेते हैं क्योंकि अनुमानित मान की बात हुई है, सो इट इज 452/5। इसको फिर से अनुमानित कर देते हैं, सो इट इज 450/5, सो इट इज 5/45, 90। सो ओके, नेक्स्ट। ए और बी ने कुछ राशि निवेश करके एक साझेदारी की, ए का निवेश बी के निवेश का दुगना है, सो इट इज ए, इट इज बी। तो ए का निवेश ऑब्वियसली, यदि बी का निवेश पी है तो ये ए का 2p है, और ये 12 महीने के लिए है।
करेक्ट। चार महीने बाद एक अन्य व्यक्ति सी ने, सी उनके साथ जुड़ गया। अब माना सी ने क्यू मनी का निवेश किया, ऑब्वियसली 8 महीने के लिए। एक वर्ष के अंत में ए और सी का लाभ हिस्सा बराबर है, मींस 12 × 24 P इक्वल टू 8Q, मींस क्यू इक्वल टू 3P। तो बी का लाभ हिस्सा सी के लाभ का कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत सरल सवाल है। तो 8Q इज इक्वल टू 24P, क्यू की वैल्यू 3P, सो 12P 24P का 50% है। ये 12P है, ये 24P है, तो 12 × 24 50% है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, 8 वर्ष बाद इशू की आयु हमने मान ली पी, और अहाना की आयु हमने मान ली क्यू। तो 8 वर्ष पश्चात यानी कि पी प्लस 8 और 6 वर्ष पश्चात अहाना की आयु का अनुपात 5:6 है, मीन्स 6P प्लस 48 इक्वल टू 5Q प्लस 30। सो 6P माइनस 5Q इक्वल टू माइनस 18। सिंपल। 10 वर्ष पश्चात इशू की आयु मीन्स पी प्लस 10 6 वर्ष बाद अहाना की आयु के बराबर है। तो इशू की आयु चाहिए तो हमको पी की वैल्यू चाहिए, तो क्यू को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम हेयर क्यू इज इक्वल टू पी प्लस 4, यहां रखते हैं। सो 6P माइनस 5 इंटू पी प्लस 4 इक्वल टू माइनस 18। 6P माइनस 5P माइनस 20 इक्वल टू माइनस 18, पी इक्वल टू 2। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ पी एंड 20% ऑफ पी प्लस 5000? अब ये ध्यान रखिए कि 20% मीन्स 1/5, 20/100। सो ही इज सेइंग पी अपॉन 5 माइनस पी प्लस 5000/5, ये वैल्यू निकालनी है। सो 5 एलसीएम, सो पी माइनस पी माइनस 5000 इक्वल टू माइनस 1000। सो ऑब्वियसली हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, सो 1000। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2/3। सो इट इज रेडियस, इट इज हाइट, डायमीटर ऑफ बेस इट इज 2R, एंड हाइट इज h, इट इज 2/3, मीन्स 3R इक्वल टू h। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इफ अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम इज दिस मच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, मीन्स पाई आर स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमको R चाहिए, तो R रहेगा इसमें। सो इट इज R, अच्छा कैपिटल R लिख रखा है मैंने, ध्यान रखिएगा। सो R स्क्वायर एंड H इज इक्वल टू 3R एंड इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.2, 3.4। तो चूंकि अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है तो 0.01 हटा देता हूं। दिस 3.2, 3.4 इज डिविजिबल बाई 11। सो इट इज 0, तो ये 11 से कटेगा। सो पाई इज इक्वल टू 22/7, तो 11 से कट रहा है, तो मैं इसको सीधे सीधे 2/7 लिखता हूं इंटू आर क्यूब इंटू ये 3 इक्वल टू 11 × 22 = 10 103 11 99 11 44। ओके, एंड सो आर क्यूब इज इक्वल टू, ये 2 से भी कटेगा, 2 × 2 एंड इट इज 47 × 7, ये वाला 7/3, मीन्स आर क्यूब इज इक्वल टू 3×12 और 3×9 = 27, मीन्स 7³ = 49 × 7² सो आर इक्वल टू 7। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, किसी लंबाई की ट्रेन 55 सेकंड में 524 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना ट्रेन की लंबाई जो है वो पी मीटर है,
अर्थात 55 सेकेंड में 524 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। तो ये जो कुल चलेगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन, वो चलेगी 524 प्लस पी, तो ये तो डिस्टेंस हुई, और टाइम कितना 55 सेकेंड, बट दिस इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 और किलोमीटर की जगह 1000 से गुणा करेंगे, और पर आवर, आवर मीन्स 60 गुणा 60, 60 मिनट गुणा 60 सेकेंड, सो इट इज 3600। ये बहुत सरल सवाल है। सो दो जीरो से ये दो जीरो कटे और 36 दूनी 72, सो इट इज 20। सो पी इज इक्वल टू 55 गुणा 20 माइनस 524, तो 55 दूनी 110 और एक जीरो और लगेगा, माइनस 524। सो 100 में से 24 गया 76 और 11 द एक, अब एक ले लिया था, 10 बच गया, 10 में से 5 गया 5, सो 575 मीटर। सो ऑप्शन ई इज द आंसर। नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। बी की क्षमता ए की क्षमता से दो गुना अधिक है, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 टाइम्स मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ ए। अब यहां आपके लिए समझने की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि ए एक दिन में पी यूनिट काम करता है तो बी 2 टाइम्स मोर, मतलब पी 2 पी यूनिट्स ऑफ वर्क ए डे नहीं करता। इसको ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को ही सेइंग 2 टाइम्स मोर, दो गुना अधिक है, तो बी जो है एक्चुअली पी प्लस 2p 3p यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे करता है। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि इट इज नॉट 2p, इट इज 3p यूनिट्स, करेक्ट। ओके, दोनों ने एक एक दिन छोड़कर परंतु बी द्वारा प्रारंभ करते हुए इस काम को करना शुरू किया और 37 दिन में काम पूरा किया। अर्थात अगर हम यहां देखें तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एंड सो ऑन सो ऑन, एंड 37वां दिन। तो पहले दिन से बी ने शुरू किया, दिस इज द पॉइंट। तो ऑब्वियसली अगर मैं 37 का आधा करूं तो आधा करने पर मेरे को 19 प्लस 18 मिलेगा, करेक्ट, अगर मैं इंटीग्रल वैल्यू में आधा करूं। तो बी ने चूंकि एक दिन पहले दिन से शुरू किया तो बी 19 डेज काम करेगा और ए 18 डेज काम करेगा। ओके, अब बी 19 डेज में कितना काम करेगा, 19 गुणा 3p, ये तो करेगा बी, और ए कितना काम करेगा, 18 गुणा पी, क्योंकि ए 18 दिन काम कर रहा है और एक दिन में पी यूनिट काम करता है, तो 18 पी, सो 19 दिया 57, 57 पी प्लस 18 पी, सो इट इज 75p। तो इतने यूनिट्स का काम है। ओके, अब सी अकेले इसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है, इसका मतलब सी एक दिन में करता है काम, ऑब्वियसली 75p अपॉन 50 इक्वल टू 3 अपॉन 2p यूनिट्स एक दिन में करता है। तो अब पॉइंट यह है कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इन हाउ मैनी डेज। तो ये बहुत सरल सवाल है। ओके, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो ए एक दिन में पी यूनिट्स काम करता है इन वन डे, ए प्लस सी कितने यूनिट्स काम करते हैं, ऑब्वियसली ए पी कर पी यूनिट्स करता है यहां, और सी करता है 3/2 यूनिट्स, 3/2 पी यूनिट्स, तो 2 × 2 = 3, यानी कि टोटल 5/2 पी यूनिट्स, ये दोनों मिलकर इतने दिन में काम करते हैं। लेकिन जो टोटल वर्क है वो अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा था 75 यूनिट्स का है, 75 पी यूनिट्स का, तो टोटल वर्क बराबर 75 पी यूनिट्स। तो डेज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली 75 पी अपॉन 5/2 इंटू पी दिस मच, सो दिस इज पी से पी कैंसिल हो गया, 75 इंटू 2 अपॉन 5, तो 5 से ये 15 दुनी 30, 30 डेज इज द आंसर, बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, 7 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। इसका मतलब फॉर ए डे 2W इज इक्वल टू 1 मैन, सिंपल। अब हम काम देखते हैं कि कितना काम है, काम है 7 पुरुष और 6 महिलाएं
8 दिन में काम को पूरा करते हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ 7 पुरुष मींस 14 विमेन, यहां से 7 से गुणा कर दिया, प्लस 6 विमेन, ये एक दिन का काम हुआ जो करेंगी, इनटू काम 8 दिन का है, सो 14 और 6 20 इनटू 160 160 डब्ल्यू काम है, ये काम का क्वांटम है। ओके, नाउ 8 पुरुष और 4 महिलाएं काम करना शुरू करते हैं, तो 8 पुरुष का मतलब हुआ 16 विमेन और 4 विमेन, ये तो 16 और 4 20 विमेन, और ये 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 दिन में काम हुआ ऑब्वियसली 60 W, शेष बचा 100 W, और 4 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो अब 8 पुरुष में से 4 ने छोड़ दिया तो बचे 4 पुरुष अर्थात 8 विमेन इसके लिए, और 4 नई महिलाएं शामिल हो जाती हैं, तो 4 तो पहले से ही थी, 4 और शामिल हो गई मींस 8 W, इट इज इक्वल टू 16 W, काम है 100 W, इतना काम पर डे हो रहा है, तो जो टोटल डेज रिक्वायर्ड है वो है 100 W अपॉन 16 W, अर्थात 100/16, तो 16 संख 96, 4 16 दुनी 32 और 16 पंजे 6.25 डेज, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपकी कोई क्वेरी है मैथमेटिक्स को लेकर IBPS एग्जाम के लिए, तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पर निश्चित रूप से लिख सकते हैं, और अब मिलते हैं हम इसके बाद एक और नई क्लास में, नमस्कार।